हर साल जब न्यू आईफोन्स लॉन्च होते हैं तो उस टाइम पे पुराने आईफोन्स ज्यादा वैल्यू फॉर मनी होते हैं, जस्ट लाइक पिछले साल आईफोन 12 था एंड इसी तरीके से इस साल आईफोन 14 सीरीज के लॉन्च के साथ आईफोन 13। अब ऐसा दो रीजंस की वजह से होता है। पहला रीजन, प्राइस ड्रॉप। पुराने आईफोन्स पे अच्छी डील्स मिलती हैं, अच्छे प्राइस ड्रॉप आते हैं। एंड इसी के साथ दूसरा रीजन, नो मेजर अपग्रेड्स। एज एप्पल नेक्स्ट जनरेशन आईफोन्स में कोई ज्यादा बड़े चेंजेस नहीं करता है। इवन इस बार जो रेगुलर आईफोन 14 सीरीज थी, बहुत ही ज्यादा मिनिमल अपग्रेड्स रहे हैं। सो कुछ इंटरेस्टिंग चीज आपको बताऊंगा रिगार्डिंग आईफोन 14 प्लस, जो कि कॉस्ट करता है 90,000 रुपीज। एंड इस फोन को यूज करने के बाद मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, हमेशा की तरह वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। सो हे गाइस, आई एम अंकित, यू आर वॉचिंग गैजेट्स लाइफ, लेट्स बिगिन। अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद है, मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ। सो क्विकली आपको बताता हूँ दैट न्यू आईफोन 14 प्लस में मुझे क्या अलग या फिर क्या न्यू लगा है एज कम्पेयर टू आईफोन 13। बेटर मल्टीमीडिया एंड गेमिंग एक्सपीरियंस ड्यू टू बिगर डिस्प्ले। अब फोन का साइज काफी ज्यादा बड़ा है, लाइक प्रो मैक्स कैटेगरी का है, बट उसके बाद भी फोन काफी कंफर्टेबल है क्योंकि इसमें आपको मिलता है एल्यूमिनियम फ्रेम, मच बेटर बैटरी लाइफ, स्लाइटली बेटर कैमरास स्पेशली लो लाइट में एंड डे टाइम में डिफिकल्ट सिचुएशन में, एंड स्पेसिफिकली सेल्फी कैमरा में विजिबल इंप्रूवमेंट्स हैं। एंड इसी के साथ स्पीकर्स आर बेटर, ज्यादा लाउडनेस है, ज्यादा क्लैरिटी है एंड अब आपको पहले से भी ज्यादा बेटर सराउंड मिलता है। एंड वहीं इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एक चीज में डिफरेंस क्लियरली विजिबल है, वो है रैम मैनेजमेंट, काफी ज्यादा बेटर है ड्यू टू एक्स्ट्रा 2GB रैम। एंड स्पेशली गेमिंग में यहाँ पे काफी बेटर एक्सपीरियंस रहता है। पहला रीजन है बिगर बॉडी, जिसकी वजह से फोन ज्यादा हीट नहीं होता है। एंड दूसरा रीजन है ऑब्वियसली डिस्प्ले का साइज। एंड आई थिंक दैट्स इट, यही कुछ अपग्रेड्स मुझे लगे हैं एज कम्पेयर टू आईफोन 13। सो यहाँ पे ये चीज काफी ज्यादा सब्जेक्टिव है, क्योंकि मे भी हो सकता है कुछ लोगों को ये अपग्रेड्स बिल्कुल भी अच्छे ना लगे एंड इवन वो लोग इसे अपग्रेड भी ना कहें, बट उसी के साथ हो सकता है कुछ लोगों को ये चीजें मैटर करें एंड स्पेशली उन्होंने आईफोन 13 को परचेज नहीं करा है, सो उन लोगों के लिए आईफोन 14 प्लस एक अच्छा ऑप्शन रहे। वही बात करें मेरे ओपिनियन की, सो आई थिंक यहाँ पे ये सब चीजें इतनी ज्यादा मैटर नहीं करेंगी एवरेज यूजर को, क्योंकि ऑल्दो आपको हर चीज में अपग्रेड मिलता है बट बहुत ही ज्यादा मिनिमल है। एंड इसी के साथ यहाँ पे सबसे बड़ा रीजन बन जाता है प्राइसिंग। बात करें ऑफिशियल प्राइसिंग की, सो आईफोन 13 की MRP है 70,000 रुपीज, आईफोन 14 प्लस की 90,000 रुपीज। सो डेफिनेटली एवरेज यूजर के लिए आईफोन 13 ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, बट इसी के साथ ही और भी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी बन जाता है क्योंकि उसमें आपको मिलते हैं अच्छे डिस्काउंट्स। स्टिल आई थिंक आईफोन 14 प्लस विल बी मोर पॉपुलर नेक्स्ट ईयर, जब इस पे अच्छे ऑफर्स आएंगे एंड प्राइस ड्रॉप होगा जिस तरीके से पुराने आईफोन्स पे होता आ रहा है। एंड आई थिंक आईफोन 14 सीरीज का फेलियर इनका खराब होना नहीं, बल्कि आईफोन 13 सीरीज का अच्छा होना है। अब ऑलरेडी आईफोन 13 ने वो पोजीशन, वो रिस्पेक्ट ग्रैब कर लिया है एंड लोग काफी ज्यादा सेटिस्फाइड हैं। सो फाइनली कुछ दिन यूज करने के बाद मेरा क्या वर्डिक्ट है आईफोन 14 प्लस को लेकर, सो आई वुड से करंट सिचुएशन के हिसाब से डेफिनेटली आईफोन 14 प्लस ओवर प्राइज्ड है, जबकि आपको आईफोन 13 की काफी अच्छी डील्स मिल जाती हैं। बट कुछ टाइम के बाद जैसे आईफोन 14 सीरीज पे अच्छे प्राइस ड्रॉप या फिर ऑफर्स आएंगे एंड स्पेशली जिन लोगों ने आईफोन 13 को परचेज नहीं कर पाया है, सो उन लोगों के लिए काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। एंड जिस तरह से इस बार लोगों ने फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल में आईफोन 13 को परचेज करा है 50,000 से लेकर 55,000 रुपीज में, मे भी हो सकता है आपको आईफोन 14 प्लस 60,000 से लेकर 65,000 रुपीज में मिले। सो डेफिनेटली इस प्राइसिंग में काफी ज्यादा लोग इस आईफोन को लेना प्रेफर करेंगे। सो गाइज, अगर आप आईफोन 14 प्लस का डिटेल रिव्यू देखना चाहते हो एंड इसी के साथ आप लोग क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, अपने ओपिनियन जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आया, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे न्यू है सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोस लाता रहता हूँ। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में, टिल देन टेक केयर।